सांगो माने कौन घरे बसी बसी बोर ही गलानी? चलो आज किसी मैजिकल करीबा। चलो समस्ते ठिया होई की नाचा करीबा। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा हमें प्रार्थना करिबा आ गॉड को सहित कथा हेबा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 3 जुलाई हम मसीह की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं कि चर्च जीत और ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। महिमा हम यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मुझे गिरो बदा बाल बड़े पुष्कर बटा कपा क्रेडिट को पुष्कर बना दी करा तो इसके रपन लो बने लवा शंदली ओ जिंद्र बा कौन तेरा पुष्कर पुष्कर बटा कपा क्रेडिट को पुष्कर बना दी करा तो इसके रपन ला ओ बने लवा शंदली का जी तेरे बा कौन तेरा पुष्कर पुष्कर बटा कपा क्रेडिट को पुष्कर बा और यहाँ हास के आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका जी तेरी बाकुं तेरे मुझे रे बोश का और एक बोटा का बकरा डी का बोशा का रबर आंध्र लेकर आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका और जी तेरी बाकुं तेरे मुझे रे बोश का और बोटा का बकरा डी का बोशा का रबर आंध्र लेकर आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका जी तेरी बाकुं तेरे मुझे और एक बोश का और बोटा का बकरा डी का बोशा का रबर आंध्र लेकर आंध्र उसके और यहाँ लेकर आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका और जी तेरी बाकुं तेरे मुझे रे बोश का और बोटा का बकरा डी का बोशा का रबा और यहाँ लेकर आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका जी तेरी बाकुं तेरे मुझे रे बोश का बोटा का बकरा डी का बोशा का रबा और जी यहाँ लेकर आंध्र उसके रपंडा का बुंदे लगा चंदे लीका जी तेरी बाकुं तेरे मुझे रे बोश रे आ रे रे बोश का बोटा का बकरा डी का बोशा का रबा आंध्र लेकर आंध्र उंडा लगा चंदे लीका
हेलो सांगो माने केमिथि अछ समस्ते तमे जानी छ साइन लैंग्वेज सिखिले कोन हुवे मु कहो छि सुनो एहा तमकु ध्यान देबारे सहायता करता है जहा द्वारा तमे समस्त विषय मन रखी पारिबो एहा तमरो मस्तिष्क को तीक्ष्ण करता है जहा द्वारा तम खेल रे ओ पढा रे फोकस करि पारिबो आउ तुमे सानो पिला सहित भी कथा भी पारिबो अटे ना मजा विषय ताहेले चालो आमे सिखिबा आउ हमर माता पिता मध्य एथि प्रति दृष्टि दे पारिबे आज आमे इशारा रे गीत सिखिबा हुररे ताहेले कोन आमे आरंभ करिबा पवित्र प्रभु सबसे ऊंचा परमेश्वर हाथ है पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू है ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा ओ पवित्र प्रभु महान परमेश्वर सबसे ऊंचा है तू तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा तू सबसे महान परमेश्वर पवित्र एकमात्र प्रभु सबसे ऊंचा मार्ग सत्य जीवन तू है तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा तू ही है ऊंचा तू सबसे ऊंचा
ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, Praise the Lord। वर्तमान यही समय पिला मानको रैप सॉरी रो आउ आमे बहुत सुंदर सुंदर विषय सिखिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप सॉरी का। इट्स रैप फ्री टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 3 और आज का वचन है, हम असफल नहीं होते। व्यवस्था विरन इसका 28वां अध्याय और 13वां वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। एक खरगोश को भोंकते हुए देखना विचित्र बात होगी, है ना? ठीक जैसे खरगोश का भोंकना विचित्र बात है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की संतान का असफल होना विचित्र बात है? निश्चित ही यह है। जिस क्षण आप नए जन्मे थे, उस क्षण से असफलता आपके लिए संभव नहीं है। हालेलुया। दुखद रूप से कुछ मसीह अब भी असफल होते हैं, और इसका कारण यह है कि वे नहीं जानते कि वे मसीह में कौन हैं। होशे इसका 4वां अध्याय और 6वां वचन, लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने सभी कामों में, परियोजनाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, आप हमेशा चोटी पर पहुंचेंगे। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय और 9वां वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विजय हूं और सारी वस्तुओं में जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बसी बसी बोर हो गला कि चलो समस्ते मिसी की ठिया होई कि नाच करिबा। को पृथ्वी पर जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग को पृथ्वी पर जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जीते ना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जीते ना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। को पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वयं को पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य जीवन, उसका वचन है सत्य जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जीते ना देखोगे,
उसकी स्वरूप भी बदलते जाओगे, उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप भी बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य जीवन, वह तुम्हें बनाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य जीवन, वह तुम्हें बनाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିର ସମୟ ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଗେ ବଢୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ନୋହ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ନୋହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ନୋହ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାଇବଲ କହେ ନୋହ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସେହି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେହି କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଥିଲା, ପାପ ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନୋହ ଯିଏକି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସାରା ଜଗତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ନଥିଲେ। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ, କି ଅବା ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ? ହଁ, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେହି କାମ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ଷା କରେଇବେ ଆଉ ସାରା ଜଗତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନୋହଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିଲେ ଯେ
जहाज केते बड़ हेबो केते दीर्घ केते प्रस्थ केतोटी झरका केतोटी कबाट केते कोठरी को काष्ठ व्यवहृत हेबो परमेश्वर सबु विषय नोहंकु कहिले आउ नोहंक समय रे नोह केबे भी बन्या देखिनथिले कि बड़ जहाज निर्माण करि नथिले किंतु परमेश्वर तांकु जहा कहिले से तुरंत सही काम रे लागिगले एवं जहाज निर्माण पाई प्रस्तुति कले। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। एवं वाक्य आमको एहा कहे नोह सही जहाज को निर्माण कले एवं छि दिन परे वर्षा आसिला एवं अनवरत वर्षा लागि रहिला एवं सारा दुनिया पानी रे बुड़ी गला किंतु नोह एवं तांको परिवार सुरक्षित रहिले। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। सबु बेले गुडे कथा मने रखिबे परमेश्वरंक संतान हिसाब रे जेते बेले आमो पाखकु परमेश्वरंक वाक्य आसिबो परमेश्वरंक वाक्य द्वारा आमको कुहा जिवो एही काम करिवार अछि हेले सेही काम को आमको तुरंत करिबाकु पडिबो। अबिकल नोहंग भलिया नोह एही कथा चिंता कले नहीं जे एमिति केमिति हेबो सारा दुनिया केमिति जलमग्न हेबो मु केमिति एते बड़ जहाज बनेई पारिबे ए सबु कथा से भाबिले नहीं बरं से तुरंत परमेश्वरंक आज्ञा अनुसारे काम आरंभ कले। हालेलुया। एवं आमे एहा देखिलु जे केमिति परमेश्वर नोहंक पूरा परिवार को चमत्कार भाबरे रक्षा कले सेही पानीरु जेउ पानीरे कि समस्ते बुड़ी जाइथिले सारा जगत नष्ट हो जाइथिला किंतु नोह नष्ट हेले नहीं काहे कि ना से परमेश्वरंक आज्ञा पालन करिथिले। परमेश्वरंक संतान हिसाब रे आमको कौन करिवार अछि परमेश्वरंक आज्ञा को यथाशीघ्र पालन करिवार अछि। आपण माने कहिबे परमेश्वर नोहंकु कहिले किंतु आजि कोन परमेश्वर आम सहित कथा कहन्ते। हाँ परमेश्वर आम सहित कथा कहते आउ गोटे उपाय अच्छे जो माध्यम रे परमेश्वर आम सहित कथा कहते ताहा हेउछि परमेश्वरंक वाक्य अर्थात बाइबल। आपण माने जदि बाइबल पढ़िबे हेले परमेश्वरंक न्याय को जानी पारिबे परमेश्वरंक निर्देश को जानी पारिबे आउ परमेश्वर चाहन्ति जहाँ सबु बाइबल रे लेखा जाइछि सेही सबु वाक्य आमको पालन करिवार अछि। नोहंक मनरे परमेश्वरंक प्रति कोण थिला विश्वास थिला कि परमेश्वर जहाँ कहिछन्ति ताहा ही हेबो आमको मध्य कोण करिवाकु हेबो परमेश्वरंक वाक्य प्रति विश्वास करिवाकु हेबो कि जहाँ सबु लेखा जाइछि एहा ही सत्य आउ आमको एहा ही करिबाकु हेबो। प्रेस द लॉर्ड। आउ मने रखंतु विश्वास केमिति आसे वाक्य को सुनिबा द्वारा जदि आपण वाक्य पढ़ुछंति ताहा हेले सुनुछंति। हालेलुया। सेति पई वाक्य पढ़िबा अति आवश्यक अटे आपण जदि वाक्य पढ़ुछंति विश्वास आसुछि द्वितीयतः परमेश्वरंक इच्छा परमेश्वरंक निर्देश बुझि पारुछंति एवं परमेश्वरंक वाक्य पालन करिपारुछंती नोहंक भली। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। मते विश्वास अछि जे आपण उत्साहित अछंती जे परमेश्वरंक वाक्य को पालन करिबा केते आवश्यक हाँ कि नहीं आपण मानंकु बाइबल पढ़िबा पई समय बाहर करिबार जदि आपणंक पाखरे बाइबल नहीं ताहिले बाबा मांकु कहंतु जे सेमाने आजि ही आपणंकु बाइबल देबे आपण प्रतिदिन समय बाहर करिके बाइबल को पढ़ंतु प्रार्थना करंतु एवं अन्य मानंकु परमेश्वरंक प्रेम विषयरे जणांतु। आजि मु आपण मानंकु जहा सबु कहिली ताहा निज सांग साथी को जणांतु निज परिवार को जणांतु एवं उत्साहित करंतु कि परमेश्वरंक वाक्य पालन करिबा केते आवश्यक अटे। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। मते विश्वास अछि कि मु आपण मानंकु जहा सबु कहिली ताहा आपण माने निश्चय करिबे आपण माने आमको निश्चय जणैबे जे आपण माने कोण कोण कले। हालेलुया। आमर डिटेल्स स्क्रीन रे अछि आपण माने आमको मेसेज करि पारिबे कॉल करि पारिबे आमको निश्चय जणैबे। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। एही प्रोग्राम रो लिंक को निज सांग साथी को सहित निश्चय शेयर करंतु एवं एही प्रोग्राम को निज सांग साथी को सहित द्वितीय थरो देखंतु।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंता संडे आमे निश्चय साक्षात हेबु। सेते दिन पर्यंत बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। आमे बहुत किछि सिखिलु आ एबे समय अछि घोषणा करिवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। परमेश्वर के वचन ने मुझे बुद्धिमान बनाया है। मैं हर समय बुद्धिमानी से निर्णय लेता हूँ। मैं परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा जो मुझ में कार्य करता है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलता हूँ। मैं हर रोज जीतता हूँ। मैं विश्वास में चलता हूँ और अपने दिल की सभी इच्छाओं को प्राप्त करता हूँ। अपने विश्वास के जीवन के द्वारा मैं दूसरों को यीशु के पीछे आने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं एक विजय हूँ। मैं जीवन से बढ़कर हूँ। मैं डरने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं यीशु के लिए जीतता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर याद रखिए, मन में विश्वास करना और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना बहुत क्या है, जरूरी है। तो तैयार है सब, तो मेरे पीछे से बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है और आज से प्रभु यीशु आपके सिर्फ प्रभु ही नहीं, आपके दोस्त भी हैं। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, मैं कहती हूँ शैतान और अंधकार का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका प्रभु और स्वामी है। धन्यवाद परमेश्वर, ये सुरक्षित है, आशीषित है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से देख रहे हैं तो बैंक डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे हमने दिया है आपके वचन के अनुसार, हाँ आपके वचन के अनुसार हम उसकी बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत तेजी के साथ पूरा करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। तो जहां पर भी परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ओरा शाके अलांत एकबासी एरिक अंतर लगो सक्य अरबा शाके एरब अंतर लबबो। और परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी बीमार है प्रभु, मैं उस बीमारी को, दुर्बलता को प्रभु, उस रोग को उनके अंदर से, उस दर्द को उनके अंदर से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उनके शरीर कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। ये स्वस्थ है, ये चंगे हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर उपलब्ध है प्रभु। ओ धन्यवाद, हर एक दर्द जा रहा है, शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया। हमने कितना कुछ किया, हमने आराधना की, स्तुति की, कहानी सुनी, वचन को पढ़ा, हालेलुया। तो जैसे आज हमने आपको बताया कि हर दिन क्या पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है और दूसरों को प्रभु के बारे में बताना बहुत जरूरी है, हालेलुया। तो उसे भूलिएगा मत। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, 29, 30 और 31 जुलाई को हमारा हीलिंग स्ट्रीम्स विद पास्टर क्रिस है, हालेलुया। हमारा चंगाई का प्रोग्राम है हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस कोया खिलोमे के साथ, हालेलुया। और इस प्रोग्राम में कोई भी अगर बीमार है वो इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। और हमें इसमें क्या करना है, अगर हम किसी को भी जानते हैं जो बीमार है, जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। और एक जरूरी चीज जो करने की, उन लोगों को हमें रजिस्टर भी करना है। तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, तो है ना, आपके घर में हो सकते, परिवार में हो सकते, बिल्डिंग में, स्कूल में, है ना, बताइए अपने मम्मी पापा को भी बताइए कि ये 3 दिन का चंगाई का प्रोग्राम है और जो भी बीमार है उनको रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, हालेलुया। और लोगों को बताइए, उत्साहित कीजिए कि वो इस 3 दिन के प्रोग्राम को देखे, कि यही उनका समय है चंगाई को ग्रहण करने का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहां कहीं पर भी है ये समय है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे परमेश्वर के प्रेम के लिए, भलाई के लिए। तो खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ प्रभु, आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है।
ये बुद्धिमान है, ये चैंपियंस है प्रभु। समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है, हर काम में ये एक्सेलेंट है, तेज है, यीशु मसीह के नाम में ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। मैं धन्यवाद देती प्रभु, इनके घरों में शांति है, आनंद है, आपसी प्रेम, समझ और एकता है प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इनके जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार सुनिश्चित कीजिए कि आप हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। आखिर की प्रार्थना करेंगे, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अगले रविवार जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जाने तुमको बहुत मजा आसला, जदि आहुरी मजा करिवे तेबे निज संग मानंक सहित पुनर्बार करंतु। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you. And God bless you.